दोस्तों जैसे ही व्हाट्सएप पर आपको कोई भी बंदा मैसेज करता है एंड गाइस आप जैसे ही उस पर दो बार क्लिक करते हो यानी कि डबल टैप करते हो तो फ्रेंड्स वहां पर आपको देखने को मिलेगा रिएक्शन फ्रेंड्स। सो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप के पांच कमाल के न्यू फीचर्स एंड गाइस इन फीचर्स की मदद से आप अपने व्हाट्सएप को इम्प्रूव कर सकते हो एंड गाइस अच्छी खासी नॉलेज आपको मिलने वाली है। सो गाइस बात करते हैं व्हाट्सएप के फर्स्ट फीचर्स के बारे में एंड गाइस ये फीचर्स निकल के आ रहा है व्हाट्सएप स्टेटस में। अब गाइस आप अगर व्हाट्सएप स्टेटस पर कोई आपका आधा फोटो लगाते हो यानी कि आधी पिक्चर्स लगाते हो तो गाइस पहले वाले व्हाट्सएप में होता था क्या कि जो बचा हुआ स्थान है उस पर केवल ब्लैक ब्लैक शो होता था, ठीक है। लेकिन गाइस अब जो न्यू अपडेट आई है उसमें गाइस ये फीचर्स, जैसे अगर आप आधा पिक्चर्स लगाते हो तो जो बचा हुआ रिक्त स्थान है फोटो का वो गाइस पूरा कवर कर लेगा, तो इससे आपकी पिक्चर्स अच्छी खासी दिखाई देगी फ्रेंड्स। सो गाइस बात करते हैं व्हाट्सएप के सेकंड फीचर्स के बारे में और गाइस ये फीचर्स है फोटो क्वालिटी को लेकर। गाइस आप अपने दोस्तों को या फैमिली को आपके अपने फोटो भेजते हो या गाइस कोई दूसरे का फोटो आपको किसी को भेजना है तो गाइस होता क्या है कि अब व्हाट्सएप ने जैसा कि काफ़ी टाइम हो चुका है HD का फीचर्स दे दिया है, ठीक है। लेकिन गाइस क्या होता है कि जब भी आप फोटो सेंड करते हो तो गाइस आपको वो HD वाला ऑप्शन पे क्लिक करना रहता है यानी कि उसे सेलेक्ट करना रहता है एंड गाइस आप अच्छी खासी क्वालिटी में फोटो को सेंड कर पाते हो। लेकिन गाइस आप इसे आप बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा आपको काम करना है, आपको 3 डॉट लाइन पे क्लिक करना है एंड गाइस आपकी सेटिंग ओपन कर लेनी है यानी कि व्हाट्सएप की एंड गाइस वहां पर आपको स्टोरेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड जैसे स्टोरेज एंड डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे देन गाइस आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी मीडिया क्वालिटी, ठीक है। मीडिया क्वालिटी पे आपको क्लिक कर लेना है एंड गाइस स्टैंडर्ड एंड HD का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो आपको HD वाला सेलेक्ट कर लेना है यानी कि हाई क्वालिटी वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप जब भी फोटो सेंड करोगे तो ऑटोमेटिक वो HD में सेलेक्टेड रहेगा एंड गाइस HD में वो फोटो सेंड हो पाएगा फ्रेंड्स। सो फाइनली गाइस बात करते हैं व्हाट्सएप के तीसरे नंबर के फीचर्स के बारे में एंड गाइस ये फीचर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। हेल्पफुल इसलिए रहेगा कि बहुत सारे बंदों को गाइस इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता है, ठीक है। तो होता क्या है कि कोई भी बंदा आपको मैसेज सेंड करता है व्हाट्सएप पर तो गाइस वो इंग्लिश में सेंड करता है तो आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है या फ्रेंड्स इंग्लिश आती है तब भी उसके अलावा गाइस काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं जो आपको नहीं आती है। तो अब व्हाट्सएप ने ये फीचर्स अपडेट कर दिया है कि कोई भी बंदा अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में मैसेज सेंड करता है तो उसका ट्रांसलेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी गाइस कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बंदा आपको इंग्लिश या अदर लैंग्वेज में मैसेज सेंड करता है तो आपको वो मैसेज हिंदी में ट्रांसलेट होता हुआ दिखाई देगा यानी कि हिंदी में आपको दिखाई देगा, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उस लैंग्वेज में आपको वो मैसेज शो हो जाएगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों बात करते हैं व्हाट्सएप के चौथे नंबर के फीचर्स के बारे में और गाइस ये फीचर्स है व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर। गाइस व्हाट्सएप स्टेटस में काफ़ी अपडेट कर देता है फिर उस व्हाट्सएप अपडेट को हटा लेता है तो ये चलता रहता है एंड गाइस ये फीचर्स बहुत सारे यूजर्स को मिल भी चुका है एंड नहीं भी मिला है। बहुत सारे व्हाट्सएप में आपको गोल टाइप में दिखाई देगा एंड गाइस बहुत सारे व्हाट्सएप में आपको लॉन्ग टाइप में दिखाई देगा यानी कि बड़ा टाइप में, ठीक है। तो यही अपडेट थी एंड गाइस स्टेटस का जो अपडेट्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। सो गाइस बात करते हैं व्हाट्सएप के लास्ट एंड पांचवें नंबर के फीचर्स के बारे में। तो गाइस ये फीचर्स बहुत ही कमाल का है एंड गाइस ये फीचर्स का नाम मैं आपको बता देता हूँ एंड पूरा एक्सप्लेनेशन मैं करके बताऊंगा। सो गाइस ये फीचर्स है कॉल, जब आप वीडियो कॉल करते हो तो वहां पर आप इफेक्ट एंड AR इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा फीचर्स। तो गाइस देखते हैं एंड चलते हैं, सारा मैं समझाता हूं फ्रेंड्स आपको। सो गाइस आप यहां पर देख पाओगे जैसे कि मैंने यहां पर कॉल कर लिया है। अब गाइस यहां पर जैसे कि इस वाले में आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड ओपन करता हूँ, सारा समझाता हूँ आपको कि कैसे इसमें जो न्यू फीचर्स ऐड हो रहे हैं वो कैसे ऐड हुए हैं, ठीक है। जैसे कि जस्ट फॉर क्लिक कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पर ऊपर आपको एक कैमरा यानी कि आगे पीछे करने के नीचे एक ब्रश टाइप में दिखाई देगा, ठीक है। इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे काफ़ी यहाँ पर वो देखने को मिल चुके हैं जिसे आप अपनी स्क्रीन को चेंज कर सकते हो यानी कि फिल्टर्स, ठीक है। तो काफ़ी फिल्टर यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ठीक है।
उसके अलावा गाइस यहाँ पर साइड में आपको बैकग्राउंड का फीचर्स भी दिखाई देता है, ठीक है, फिल्टर के साइड में, ठीक है, तो बैकग्राउंड को भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। बैकग्राउंड में आपका पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हो जैसे कि पीछे का बैकग्राउंड पूरा चेंज हो गया है मेरा, ठीक है। उसके अलावा जैसा आप यहाँ पर लगाओगे बैकग्राउंड वैसा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो ये अच्छा खासा है, यहाँ पर अच्छा खासा फीचर्स। अगर आप कहीं पर भी खड़े हो एंड वीडियो कॉलिंग कर रहे हो तो आप इस बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हो, फिल्टर का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा गाइस इसमें जो न्यू फीचर्स ऐड हो रहा है वो हो रहा है AR वाला गाइस।